तो देखिए यहाँ पे हमारे बन रहे हैं अरसे और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रही है। मम्मी बाय। इसमें ये डाल दिया है नारियल। हट रही, नहीं कर सकती तू। बहुत आ गया वो है पहले इस... हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि अंजू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखिए इस ब्लॉग में आगे। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो आज कलयुग बनाया जाएगा, कल मैं अपने ससुराल जाऊँगी। तो यहाँ पे अरसे बनाने का काम किया जा रहा है। अभी यहाँ पे चूल्हा देखिए आप, यहाँ पे चूल्हा बनाया जा रहा है, मिट्टी खनी जा रही है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे खेत था, लेकिन हम यहाँ पे अभी बनाएंगे अरसे बनाएंगे। तो यहाँ पे चूल्हा बनाया जा रहा है और ये ला रखी है लकड़ियाँ। ये हमने इधर देख, ये हमने दिहाड़े पे लगा रखे। आग जलाई जा रही है, देखिए। तो यहाँ पे हमारी आग जल चुकी है और यहाँ पे पी जा रही है चाय, और ये है चाय पी रहे। और अभी शाम रात होने वाली है, तो देखिए आप यहाँ पे खेत पे हमने लगा रखा है चूल्हा। तो अब बनाएंगे हम अरसे, पता नहीं कितने बजे निप। तो यहाँ पे हमारा ये तैयार हो गया गुड़, इसमें अभी गुड़ डाला था और गुड़ को अभी घुमाया जा रहा है। ये उबाल आ गया इस पर, इसके बाद डालेंगे इसमें आटा है, ये पकड़ने से, ये चावल का आटा है, अभी इसमें डालेंगे। ये है 15 किलो चावल पीस रखा है और ये गुड़ है। इसमें कितने किलो के डाले थे? 8 किलो। 8 किलो गुड़ डाले इसमें और ये 15 किलो। तो अब हम यहाँ पे गुड़ को उबाल रहे हैं, इसे अच्छे से, इस पर जब तक लेयर नहीं आई जैसे शहद होता है, ऐसे लेयर इस पर आनी चाहिए शहद जैसी, तभी जाके ये तैयार होगा। और इसके बाद इसमें डाला जाएगा और चावल का आटा, तो इसको थोड़ी देर के लिए तब ठंडा करने रख दिया जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे अरसे बनाए जाते हैं। अजय ना हो थोड़ा रह रख, खाने होंगे तो खा। हटरी नहीं कर सकती तू, बहुत आ गया है। पहले इसको मिलाने दो। हाँ, पहले इसको मिलाओ फिर डालना उसे। नीचे करना उसे थोड़ा जूम। जब नहीं होते तो ये तो पता नहीं क्या बन गया, ये पता नहीं क्या बन गया। और नहीं डालने, थोड़ा ही रहा बच्चे। घुमाते रहे, घुमाए घुमा। दया भयंकर आ रही, दया है। दया दीदी आप तो बहुत बन गए। और क्या कठोल बाबा तब खराब हम आरसा ये कहीं बना तो तथ्य एक पट कंडा बन जाए। इसमें ये डाल दिया है नारियल, और इसमें इससे पहले भी डाला था तिल डाला था और सोडा भी डाला था, अब ऊपर से हमने डाल दिया इसमें नारियल। तो इसमें हम और डाल रहे हैं नारियल, क्योंकि हमने इसमें 2-3 डाले नारियल, कुछ कम लग रहा था तो और डाल रहे हैं हम अभी। तो अब ये रेडी हो चुका है गांव की को निकाल दो। तो देखिए यहाँ पे हमारे बन रहे हैं अरसे और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रही है रात की। तो यहाँ पे रात भर आज अरसे बन रहे हैं और ये देखिए आप, ये यहाँ पे बन चुके हैं और ये लड़की है जो यहाँ पे बना रही है, ये देखिए बेचारी कभी काम ना काज करती है।
और देखिए आप, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना सारा बन गया है, एक टफ है और इसमें बन गए, और ये रहा अभी बाकी है बनाने के लिए। तो मैं थी अभी तक अपने रूम पे सो रखी और ये लोग बना रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए अब इसके बाद मैं भी बनाती हूँ, और वैसे मैं अरसे बहुत अच्छा बनाती हूँ इसके, देखिए आप। और ये है मम्मी जो मेन है बनाने वाली है। और हम एक बात बताऊँ आपको, एक्साइटेड या हम अभी बाहर पे है, ये देखिए अभी खुले आसमान के नीचे है और हवा भी काफ़ी चल रही है, तो ठंड भी लग रही है, पर चूल्हे पे आग है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी है, कल रात कुछ 8 बज गया था तो हम इसका सुबह बना रहे हैं, और रात काफ़ी हो चुकी थी इसलिए अभी बना रहे हैं हम इसे। तो अब अरसे पैक किए जा रहे हैं, और ये जो पैक हो रहे हैं ये हम कंटर में पैक कर रहे हैं। तो मम्मी अच्छे अच्छे छांट छूट के मेरे लिए पैक करी है। हम कंडा लेके जा रहे हैं, आज माँ का महीना है तो लड़की का कंडा दिया जाता है। तो मैं अभी अपने घर पे हूँ और यहाँ पे कंडा वगैरह पैक हो गया, तो हम निकलने की तैयारी करते हैं अब। तो आपको दिखाएंगे मौसम, ये देखिए। तो अब इसके बाद सीधा दिखाएंगे आपको। ठीक है, बाय। कपिल के स्कूल पे जाएंगे, बाय। आ जाओ, बाय बाय। ठीक है, बाय। ये उस आरव को देख, जूली आरव भाई, और सिद्धि के हाथ में भी दे पैसे। मम्मी भाई, तो गाइस अब हम निकल चुके हैं और हम आपको आज का ब्यूटीफुल व्यूज दिखाएंगे, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे अभी शायद रास्ते में हमें बर्फ मिलेगी। बर्फ चौरंगी डांस से जा रहे हैं हम, तो बर्फ मिलेगी वहाँ रास्ते में, तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बाय बाय। तो अब हम जा रहे हैं घर, और यहाँ ये है जुशियाड़ा का नज़ारा है। ये ग्यामसू साइड है, कामाखानी छेंडा है, और ये हमारा मार्केट पड़ गया काली कमली साइड। और अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे हमारी गाड़ी लगेगी आके। ये पे ये है चुल्लापुर जोशियाड़ा का। तो देखिए यहाँ पे हमारी टैक्सी लग रखी है, उस टैक्सी पे हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे आगे। ये है चौरंगी डांड है ये, और अब हम यहाँ पहुँच गए। मैंने सोचा था यहाँ बर्फ़ होगी, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ नहीं थी, शायद पिघल गई है, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी 2-3 दिन पहले, यहाँ पे बर्फ़ थी। अब यहाँ से सारी बर्फ़ पिघल चुकी है, तो कोई नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट किसी ना किसी ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी कि यहाँ कितनी बर्फ़ पड़ती है। काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, लोग यहाँ पे बहुत दूर से आते हैं इन्जॉय करने के लिए। उत्तरकाशी से तो काफ़ी कर लोग आते हैं, दिखाऊँगी मैं आपको नेक्स्ट टाइम। सो फाइनली गाइस, मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी हूँ। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।